दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी हरतंगेज चीज़ों के बारे में बताएंगे जो केवल इजराइल में हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। नंबर वन, सऊदी अरेबिया ने कुछ साल पहले ही वहाँ की वुमेंस को कार ड्राइव करने की परमिशन ग्रांट की थी, पर सऊदी अरेबिया में जितनी महिलाएं आज के टाइम में कार ड्राइव करती हैं उससे कहीं ज़्यादा इजराइल में वुमेन पायलट F-16 फाइटर जेट को उड़ाती हैं। नंबर टू, दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपको अपनी कार को पार्क करना है तो आप उसे यूं ही कहीं पर पार्क नहीं कर सकते, बल्कि पार्किंग एरिया में ही आपको उसे पार्क करना होगा। लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर आपको पार्किंग एरिया में कार तो नज़र आएंगे ही, बल्कि आपको ऊंट भी पार्क हुए नज़र आ जाएंगे। नंबर थ्री, दोस्तों अगर एक महिला सरकारी कर्मचारी है या फिर किसी कंपनी में काम करती है तो आमतौर पर उसे प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद तक जितने दिन तक वो चाहे उतने दिन तक मैटरनिटी लीव मिल जाती है, लेकिन आप अपने बच्चों को काम पर नहीं ले जा सकते। पर इजराइल ने यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, क्योंकि इजराइल में सोल्जर्स अपने बच्चों को अपने काम पर ले जा सकती हैं। नंबर फोर, दोस्तों अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करूं कि आप अपना वेडिंग फोटोशूट कहां कराना पसंद करोगे, तो आप बेशक ही कोई अच्छा डेस्टिनेशन चूज करोगे, पर इजराइल में सोल्जर्स और बाकी के कुछ लोग अपनी वेडिंग फोटोशूट कुछ इस तरह कराना पसंद करते हैं। नंबर फाइव, इजराइल डिफेंस फोर्स में मेल और फीमेल दोनों जेंडर के सोल्जर्स शामिल है, जिनमें फीमेल सोल्जर्स अधिकतर सुपर मॉडल्स है, और ये बेहद खूबसूरत दिखने वाली सुपर मॉडल सोल्जर्स जंग के मैदान में बहुत ज्यादा खूंखार होती है। यहाँ के बीच पर, बार में, रेस्टोरेंट में, मार्केट की सड़कों पर आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लड़कियाँ M-16 असोल्ट राइफल अपने कंधे पर लेकर घूमती नजर आएंगी। दरअसल ये इजराइल डिफेंस फोर्स का रूल है कि सभी सोल्जर्स ऑफ ड्यूटी भी अपना हथियार अपने साथ ही रखेंगे। तो दोस्तों ये थे इजराइल के बारे में टॉप 5 फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोज देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो।